हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आज का जो हमारा सेशन है वो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन पर होने जा रहा है। सुपरफ्लुअस क्या होता है कि सुपरफ्लुअस का मतलब होता है ज़रूरत से अधिक, ज़रूरत से ज़्यादा। तो बोलते समय हम लोग कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हीं ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का जो प्रयोग करते हैं उसे हम लोगों को सही करना है। जो फालतू वर्ड बोले जाते हैं उन्हें हटाना है। तो जैसे हिंदी में होता है वैसे अंग्रेजी एक्सप्रेशन में भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम लोग बिना वजह के बोला करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ दूसरे वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है हमारे साथ रिटर्न, ठीक। रिटर्न का मतलब वापस आना। अब रिटर्न के साथ अगर हम बैक यूज करते हैं तो ये बैक का यूज करना गलत है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस आना, तो वापस में फिर से बैक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग बिना मतलब के वर्ड्स यूज किया करते हैं, इन्हीं को सुपरफ्लुअस कहते हैं। तो ग्रामेटिकल इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत होता है, बोलचाल में यूज होता है, बोलचाल में चलता है। लेकिन कंपटीशन के एग्ज़ाम में, जिस लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये गलत हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, लगभग सारे सारे पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं। ये जो सुपरफ्लुअस हैं ये नाउन में भी सुपरफ्लुअस बहुत सारे हैं, प्रोनाउन में भी बहुत सारे सुपरफ्लुअस यूज होते हैं, एडजेक्टिव में भी कुछ सुपरफ्लुअस हैं, थोड़े वर्ब में भी सुपरफ्लुअस हैं, प्रीपोजिशन में तो बहुत ही सुपरफ्लुअस हैं, कुछ कंजंक्शन के सुपरफ्लुअस हैं, कुछ एडवर्ब के सुपरफ्लुअस हैं। तो आज मैं इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी सुपरफ्लुअस होते हैं उन सब को बताऊंगा। और ये जितने भी सुपरफ्लुअस हैं सारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, वहीं से उठा करके मैं बना रहा हूँ। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे लिए जो सोर्सेज होते हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं। मैं कोई बुक वुक नहीं कंसल्ट करता जब तक कि प्रीवियस ईयर पेपर में ये मिले ना हों। अच्छा, किस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस के क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये चाहे एनडीए का पेपर दे रहे हो आप, चाहे सीडीएस का पेपर दे रहे हो आप, या एफकैट का पेपर दे रहे हो आप, किसी भी चीज़ का पेपर दे रहे हो, एसएससी का कोई भी पेपर हो, या बैंकिंग का कोई भी पेपर हो, आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे जो हो, या फिर आप टेट सुपर टेट का पेपर दे रहे हो जिसमें भी एरर इम्प्रूवमेंट पूछी जाती है, उन सब में ये पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कि कैट मैट गैट एफ कैट और क्लैट, इन सब में पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है आज का ये है इम्पोर्टेंट फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, उसको सबको ये चीज़ देखनी चाहिए। अच्छा, इस वीडियो के साथ, इस जिसमें हम रूल्स डिस्कस करने वाले हैं, इसके साथ ही साथ मैंने इसका प्रैक्टिस सेट भी अपलोड दे दिया है, वो आप टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं। कुछ लोगों को व्हाट्सएप पर भेज दिया है, जिसको नहीं मिला है वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, मैं इसको उसका पीडीएफ भेज दूंगा। ये आप कर लीजिए, पहले रूल्स पढ़ लीजिए, फिर आप वो पीडीएफ सॉल्व कर लीजिए। कल मैं इसका डिस्कशन, जो पीडीएफ है उसका डिस्कशन सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नाउन से क्या क्या सुपरफ्लुअस हुआ करता है, स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले देखिए, नाउन में लिखा हुआ है बिग ब्लंडर, ठीक है ना। तो ब्लंडर जो होता है ना वो बड़ी गलती के लिए होता है, ठीक है। ब्लंडर का मतलब बहुत बड़ी गलती, इसके पहले बिग नहीं लगाया जाता। अगर आप कहीं बोलते हैं कि यू हैव मेड अ बिग ब्लंडर तो आप गलत बोलते हैं, बिग ब्लंडर नहीं, यू हैव मेड अ ब्लंडर, यू हैव कमिटेड अ ब्लंडर, बिग ब्लंडर नहीं बोला जाएगा। तो ब्लंडर के साथ बिग का प्रयोग नहीं होता, और ब्लंडर के साथ मिस्टेक का यूज नहीं होता, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है ना एक बड़ी गलती, ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। तो यू कैन नॉट यूज मिस्टेक विद ब्लंडर, ठीक, केवल ब्लंडर, मिस्टेक मत बोलिएगा। कज़िन ब्रदर होता है तो केवल कज़िन बोला जाता है, ब्रदर या सिस्टर नहीं बोला जाता। कज़िन के साथ ब्रदर या सिस्टर लगाना गुनाह है, मत लगाइएगा। ऐसे ही सिबलिंग के साथ ब्रदर या सिबलिंग के साथ सिस्टर नहीं यूज किया जाता, ये गलत होता है, ठीक है। आगे बढ़िए, तो सिबलिंग के साथ अब आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पाउस के लिए, पति पत्नी के लिए है। स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी। स्पाउस के साथ वाइफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्पाउस के साथ हस्बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। कंसर्ट के साथ वाइफ या कंसर्ट के साथ हस्बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्पाउस या कंसर्ट अकेले लिखा जाता है, अंडरस्टूड होता है। जैसे भगवान विष्णु ने कहा कि माई कंसर्ट, इसका मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी ने कहा माई कंसर्ट, इसका मतलब क्या हुआ, भगवान विष्णु, ऑटोमेटिक, उसमें हस्बैंड या वाइफ कहने की ज़रूरत नहीं रहती है। कुछ और सुपरफ्लुअस इसी तरह के हैं, और देखिए
ठीक है, तो ये थोड़ा स्पीड में चलेंगे, बहुत धीमे धीमे रुक के, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर के रूल नहीं है समझाने को, सीधे सीधे यह है कि इस वर्ड के साथ ये वर्ड नहीं लगता, बस केवल इतना ही समझाना है, क्यों कैसे ये सब तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आया फाइनल कंक्लूजन, तो कंक्लूजन जो होता है ना वो फाइनल ही होता है, कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं बोला जाता। जैसे फ्यूनरल सर्विस है, तो फ्यूनरल जो होता है ना अंतिम संस्कार होता है, फ्यूनरल के साथ सर्विस बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्यूनरल अपने आप में एक सर्विस है, तो सर्विस फ्यूनरल के साथ ना यूज करें। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, अब एक बात बोलो, या तो कहो ड्यूरिंग या तो कहो इन द पीरियड ऑफ, दोनों नहीं बोलेंगे। जैसे कहते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ माई चाइल्डहुड, ऐसे नहीं बोलेंगे, ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड बोलो या इन द पीरियड ऑफ माई चाइल्डहुड बोलो, ड्यूरिंग और इन द पीरियड ऑफ दोनों नहीं यूज करोगे। ऐसे ही सेम यूजुअल टाइम, अरे भाई सेम और यूजुअल दोनों नहीं यूज होगा, या तो कहो सेम टाइम या कहो एट यूजुअल टाइम। सेम और यूजुअल टाइम तो ज़्यादा हो गया ना दूर से, सेम टाइम कहो या तो यूजुअल टाइम कहो। ऐसे ही म्यूचुअल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट म्यूचुअल ही होता है भाई, एग्रीमेंट एक आदमी की ओर से नहीं होता, दोनों शामिल होते हैं, तो जब आप एग्रीमेंट बोल रहे हो तो म्यूचुअल कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही है रिसेप्शन पार्टी, तो रिसेप्शन अपने आप में एक पार्टी है, रिसेप्शन के साथ पार्टी नहीं यूज किया जाता, बोल चाल में यूज करिए, वैसे रिसेप्शन के साथ पार्टी बोलना नहीं चाहिए, गलत है। ऐसे ही कावर्ड के साथ मैन, तो कावर्ड का मतलब ही होता है कायर, इसके साथ मैन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कावर्ड लगाना ही चाहते हैं तो आप फिर कावर्ड नहीं, तब आपको कावर्डली मैन यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये कावर्डली मैन होगा। कावर्डली मैन का मतलब क्या होता है, मैन मतलब होता है कावर्ड, ठीक है ना, कावर्ड जो है वो नाउन है, ठीक है, समझ में आई बात, तो कावर्ड भी नाउन है, मैन भी नाउन है, दोनों नाउन नहीं लगते हैं। ठीक इसी तरह का वर्ड है फूल मैन, तो फूल का मतलब क्या होता है ना, मूर्ख, ये नाउन है, इसके साथ मैन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर लगाने का मन कर रहा है तो आप फिर क्या लगाइए, फूलिश मैन लगाइए, ठीक है ना, फूलिश क्या होता है, फूलिश एडजेक्टिव होता है, इसके साथ आप मैन लगा सकते हो। फूल जो होता है ये नाउन होता है, इसके साथ आप मैन लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्लियर, दो नाउन नहीं होगा। और सेम यही चीज़ लागू होती है माइजर के साथ मैन में, माइजर जो है वो नाउन है, इसके साथ मैन नहीं लगाना होगा। इन केस यू वांट टू यूज मैन, तो क्या करोगे, आप लिखोगे माइजरली मैन, ठीक है, माइजरली मैन यूज करना चाहो तो करो, माइजरली एडजेक्टिव है। ठीक उसी तरह से लेज़र के साथ टाइम नहीं लगाया जाएगा, लेज़र का मतलब होता है फुर्सत का समय, तो अनऑक्युपाइड आवर होता है, तो लेज़र के साथ टाइम लिखना गलत है। ऐसे ही जेंटल ब्रीज, लाइट ब्रीज, फ्रेश ब्रीज, अब इतनी चीज़ है, तो भैया ब्रीज का मतलब होता है ताज़ी ठंडी हवा, ठीक है, ब्रीज का मतलब क्या हुआ, ताज़ी ठंडी हल्की हवा, तो ब्रीज अपने आप में ही पूरा हो जाता है, ब्रीज के पहले जेंटिल या लाइट या फ्रेश की ज़रूरत नहीं है, ब्रीज अपने आप में लाइट है, फ्रेश है और जेंटल है, क्लियर। और आगे देखो अगला वर्ड दिया हुआ है सुपरफ्लुअस में, फर्स्ट के साथ स्टार्ट। अब एक बात बताओ, जब आप किसी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो पहली ही बार तो स्टार्ट करते हो, स्टार्ट के साथ फर्स्ट लगाने की क्या ज़रूरत है। व्हेन आई स्टार्टेड माई बिजनेस, ऐसे बोलो व्हेन आई स्टार्टेड माई बिजनेस, तो मतलब जब मैंने बिजनेस शुरू किया था, ऐसे तो नहीं कहोगे कि व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड माई बिजनेस, क्या 10 बार स्टार्ट किए हो, स्टार्ट तो एक ही बार होता है ना, तो स्टार्ट के साथ फर्स्ट नहीं लगाया जाता। ठीक इसी तरह से कंसेंसस ओपिनियन है, तो कंसेंसस मतलब का होता है सबकी आम सहमति, सबकी राय से, तो कंसेंसस का मतलब ही होगा कलेक्टिव ओपिनियन, तो इसके साथ ओपिनियन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो गलत हो गया। ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, भाई या तो अकॉर्डिंग टू मी कहो या तो इन माई ओपिनियन कहो, दोनों बातें नहीं होंगी, क्या कहोगे, या तो आप कहिए अकॉर्डिंग टू मी या फिर आप कहिए इन माई ओपिनियन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन नहीं होगा, या तो अकॉर्डिंग टू मी या तो इन माई ओपिनियन, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। अब देखो एट 7 AM इन द मॉर्निंग, अरे भाई एट 7 AM सुबह ही सुबह होता है, तो जब एट 7 AM कह दिया तो उसमें इन द मॉर्निंग कहने की क्या ज़रूरत है जी, AM के साथ इन द मॉर्निंग लगाना, या PM के साथ इवनिंग यूज कर दिए, PM के साथ इवनिंग लगा रहे हो, अब ये क्या बेवकूफ़ी है जी, PM लगाए हो तो इवनिंग कहने की क्या ज़रूरत है, वो तो मतलब ही हो गया ना कि दोपहर के बाद का टाइम है, ठीक है आगे चलो। अब महा सुपरफ्लुअस देखो, डिनर एट नाइट,
अरे भाई डिनर नाइट में ही होता है। तो जब आपने कहा कि ही इनवाइटेड मी टू डिनर एट नाइट, तो जब ही इनवाइटेड मी टू डिनर कह ही दिया तो एट नाइट की क्या ज़रूरत है, डिनर मॉर्निंग में करोगे क्या, नाइट में ही तो होता है। ठीक उसी तरह से कहा इन जुलाई मंथ, अब इन जुलाई मंथ जब जुलाई बोल ही रहे हो तो मंथ बोलने की क्या ज़रूरत है, कह दो इन जुलाई, अब मंथ की क्या ज़रूरत है, कह दो इन विंटर, अब सीजन कहने की क्या ज़रूरत है, बोलो। तो विंटर से क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये थे नाउन के सुपरफ्लुअस, ठीक है ना, जितने हो गए ये सब नाउन के सुपरफ्लुअस थे, दो दो मतलब एक के साथ दूसरा नहीं लगता, इतने ही हैं खास खास, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा वाला, प्रोनाउन में कुछ सुपरफ्लुअस होते हैं, देखते हैं प्रोनाउन का सुपरफ्लुअस क्या होता है, कैसे होता है। देखो एक प्रोनाउन का सुपरफ्लुअस होता है बीइंग के साथ, ठीक, बीइंग के पहले अगर सब्जेक्ट लगा है तो बाद वाला नहीं लगाया जाएगा क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। सेंटेंस पढ़ के देखो, मनोज बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर कहा कि ही इज एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ठीक है, मनोज बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब देखिएगा बीइंग का मतलब क्या हुआ, ए नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई, मनोज अभी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, तो मनोज बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के नाते इज एलिजिबल फॉर दिस जॉब, ये जो इज एलिजिबल लिखा है ये किसके लिए लगा है, मनोज के लिए लगा है, तो फिर यही यहाँ पर क्या कर रहा है, ये गलत हो गया। बात समझ में आई ना क्यों ऐसा होता है। हाँ तो अगर किसी सेंटेंस में बीइंग किसी सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगा हुआ है तो इसका मतलब अभी ये सब्जेक्ट फ्री है, जो दूसरी वाली वर्ब होती है वो इसके लिए लग जाती है, और इसके लिए अलग से पर्सनल प्रोनाउन लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो ये ही सुपरफ्लुअस हो गया। आगे देखो पर्सनल प्रोनाउन अगर लगा हो तो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा दोगे तो ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा। ये कैसे होगा, जैसे देखो द स्टूडेंट हु हैड कंप्लेंड अगेंस्ट यू ही हैज़ कम टू मीट मी। अब देखो सुपरफ्लुअस हुआ, फालतू के सब्जेक्ट आ गए कि नहीं आ गए, देखो इसमें कितनी वर्ब हैं कितने सब्जेक्ट हैं। अब एक देखो ये जो हैज़ लिखा है इसका सब्जेक्ट कौन है, ही है, तो इनका जोड़ा तो ये बन गया, ये जोड़ा हो गया। अच्छा दूसरा ले लो हैड कंप्लेंड, हैड कंप्लेंड का सब्जेक्ट कौन हो गया, हु हो गया, तो ये हैड कंप्लेंड का ये हो गया। अब ये बचा हमारा सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब कहाँ है भैया, इसकी वर्ब कहाँ है, कम टू मी, ठीक है ना, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये बताओ कि ही हैज़ कम, नहीं ही हैज़ कम जो लिखा हुआ है इसका सब्जेक्ट कौन है, ये जो हैज़ कम लिखा है हैज़ कम इसका सब्जेक्ट कौन है, हु हैड कंप्लेंट तो ये हो गया इनका, जो ये हैज़ कम टू मी लिखा हुआ है इसका सब्जेक्ट ही होगा या इसका सब्जेक्ट द स्टूडेंट होगा, क्योंकि हमारे पास वर्ब दो ही हैं, एक वर्ब ये हो गई एक वर्ब ये हो गई, दो वर्ब हैं हमारे पास और सब्जेक्ट कितने हो रहे हैं, तीन, एक दो तीन सब्जेक्ट हो रहे हैं, तो ये ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट अभी खाली है और इसी स्टूडेंट के लिए ही लगा है, तो फिर ये नहीं लगाना होगा, ये सुपरफ्लुअस हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाओ कंजंक्शन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन लगाया तो कैसे गलत हो जाएगा, कंजंक्शन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन, देखो टू डेज अगो आई मेट एन ओल्ड मैन, उसके बाद आगे लिखा है कि एंड हु वाज वेरी इंटेलिजेंट, दो दिन पहले मैं एक बूढ़े आदमी से मिला और वो और जो बड़े इंटेलिजेंट थे कि जो बड़े इंटेलिजेंट थे। अब देखो ये ओल्ड मैन एंटीसीडेंट हो गया और ही रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो यहाँ पे एंड लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये गलत होता है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर जो हु है वो ऑलरेडी कंजंक्शन का काम कर रहा है, ये जो हु है कंजंक्शन का काम कर ही रहा है ओल्ड मैन और इसके हु के बीच में, तो इसको एंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये सुपरफ्लुअस हो गया। अब देखो यहाँ आ गए माई और योर के साथ, या माई योर हेज हर इन सब के साथ ऑटोबायोग्राफी लगाओगे तो ये गलत हो जाता है माई योर, क्योंकि बच्चा जानते हो ना ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है ना अपनी जीवनी, ऑटोबायोग्राफी ऑटो मतलब हो गई ना खुद की, तब उसके साथ माई योर हेज लगाने की क्या ज़रूरत है जी। जैसे आई एडवाइस यू, मैं आपको सलाह देता हूँ टू योर ऑटोबायोग्राफी, भैया योर ऑटोबायोग्राफी क्यों होगी, ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी जाती है तो उसके पहले पजेसिव लगाने की क्या ज़रूरत है, अरे योर लगाना था तो बायोग्राफी लिखो, योर बायोग्राफी का मतलब क्या हुआ ऑटोबायोग्राफी, ठीक समझ में आई। तो अगर ऑटोबायोग्राफी लगा रहे हो तो उसके साथ माई योर हिजहर मत लगाओ,
नहीं तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, वो बेकार गलत हो जाएगा। सुनने में आपको अच्छा लग रहा होगा लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, समझ जाइएगा। जो सुनने में अच्छा लग रहा हो तो वो अच्छा हो गया, क्लियर। ऑटोबायोग्राफी है तो इसके पहले और की ज़रूरत नहीं है। अब एनी अदर के साथ वन, अरे भाई एनी अदर कह दिया था, वन की क्या ज़रूरत है। आई एम स्टडिंग दिस न्यूज़पेपर सो यू कैन टेक एनी अदर वन। अब एनी अदर ले लो ना, वन की क्या ज़रूरत है यहाँ पर। म्यूचुअल लाइक या डिसलाइक, भैया म्यूचुअल आपसी ही होता है। अब जब ये म्यूचुअल लगा दोगे तो ये ईच अदर लगाने की क्या ज़रूरत है। अब ये फालतू हो गया कि नहीं हो गया। गोविंद एंड हिज नेवर म्यूचुअली डिसलाइक ईच अदर, म्यूचुअली डिसलाइक कह दिया तो अब ईच अदर ना करो, या तो म्यूचुअली हटा दो, डिसलाइक ईच अदर कर दो, क्लियर हुई। तो ये प्रोनाउन के थे कुछ वर्ड्स जो सुपरफ्लुअस होते हैं। अब सुपरफ्लुअस की लिस्ट में बढ़ते बढ़ते हम लोग कहाँ पहुँच गए, एडजेक्टिव पर। ठीक है, स्पीड थोड़ी ज़्यादा तो नहीं लग रही है, लेकिन अब इससे ज़्यादा धीमी क्या बताएंगे जी। और तो फिर आ जाओ एडजेक्टिव में। सुपरफ्लुअस क्या होता है कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जैसे यूनिक है, आइडियल है, यूनिवर्सल है, एक्सेलेंट है, इंटायर है, चीफ है, एक्सट्रीम है, एब्सोल्यूट है, सुप्रीम है, एटर्नल है, प्रेफर है, प्रेफरेबल है, ये टॉप क्लास के हैं। तो इनके पहले ये जितना अभी आपने देखा है, इनके पहले अगर आप मोर लगाते हो या मोस्ट लगाते हो तो वो गलत माना जाता है। ये जितने हैं इनके पहले मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे, क्लियर हुई बात। कहीं आप ये नहीं कहेंगे कि योर आंसर इज मोस्ट एक्सेलेंट, मोस्ट एक्सेलेंट जैसे ही आपने कहा वो गलत हो गया। जब आप कहते हो एक्सेलेंट इसका मतलब आपने कह दिया सबसे अच्छा, एक्सेलेंट के पहले मोस्ट नहीं लगेगा। या आप ये कहते हैं कि कहीं मोर प्रेफरेबल, ठीक, जैसे हम कहें कि आई प्रेफर टी मोर देन कॉफ़ी, तो प्रेफर जब कह दिए हो तो मोर कहने की क्या ज़रूरत है बच्चा। प्रेफर का मतलब तो हो ही गया ज़्यादा पसंद करना। तो याद रखना ये कुछ वर्ड हैं, एक बार और देख लीजिए मैं बोल दे रहा हूँ। यूनिक हो गया, आइडियल हो गया, यूनिवर्सल हो गया, एक्सेलेंट हो गया, इंटायर हो गया, चीफ हो गया, एक्सट्रीम हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, सुप्रीम हो गया, इटर्नल हो गया, प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया। इनके पहले आप मोर या मोस्ट नहीं लगाएंगे, क्लियर, ठीक है। अब कुछ और वर्ड लो, जैसे लिटिल है तो लिटिल क्या बताता है, अमाउंट। मच क्या बताता है, अमाउंट। अब लिटिल और मच अमाउंट बताता ही है, तो इसके साथ अमाउंट या क्वालिटी लिखने की क्या ज़रूरत है। जैसे किसी ने कहा कि ही गेव मी अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, ही गेव मी अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। अरे भैया अब अ लिटिल बता रहे हो फिर अमाउंट भी बोल रहे हो, क्या कहना चाहिए। ही गेव मी अ लिटिल वाटर, या कहो ही गेव मी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो अमाउंट के बाद स्मॉल या बिग लगाना होगा, लिटिल और मच नहीं लगाना होगा। ठीक इसी तरह से फ्यू एक संख्या है, सेवरल संख्या है, मेनी संख्या है। फ्यू, सेवरल और मेनी इंडेफिनिट नंबर होते हैं, तो चूंकि ये खुद ही नंबर शो करते हैं इसलिए इनके साथ नंबर ऑफ लगाना गलत होगा। जैसे कहीं लिखा हो सेवरल नंबर ऑफ बुक्स, तो सेवरल नंबर ऑफ बुक्स नहीं भैया, या तो कहो कि स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स या कहो सेवरल बुक्स। सेवरल के साथ बुक्स डायरेक्ट लगा लो ना, उसके साथ नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज सेवरल इटसेल्फ इज डिनोटिंग नंबर, देन व्हाई आर यू रिपीटिंग नंबर वंस अगेन। या तो सेवरल लगाओ या तो नंबर लगाओ, दोनों में से कोई एक लगाओ। अच्छा अगला क्या है, इक्वली लगाओ और एज पॉजिटिव डिग्री है। ये जो पी डी है वो पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है देखो, इक्वली लिखा और एज गुड एज लिखा, ये जो गुड है यही है पी डी, पॉजिटिव डिग्री। अच्छा जब आप इक्वली लगाए हो तो एज गुड एज लगाने की क्या ज़रूरत है, या तो इक्वली लगाओ या तो एज गुड एज लगाओ। अगर ये लगाए हो तो ये काट दो, ठीक है। अगर ये सुटेबल लग रहा हो सेंटेंस में तो ये काट दो। मान लो कहीं सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही इज़ इक्वली एज गुड एज यू, तो ही इज़ इक्वली एज गुड एज यू। यहाँ इक्वली की क्या ज़रूरत ही है, ही इज़ एज गुड एज यू, बस इतना काफ़ी है। इक्वली की क्या ज़रूरत है वहाँ पे, आखिर इक्वली से बराबरी ही दिखा रहे हो, एज गुड एज से भी बराबरी ही दिखा रहे हैं, तो दो दो सेंटेंस, दो दो वर्ड लगाने की उसी में क्या ज़रूरत है। ये सुपरफ्लुअस हो जाता है। अब आगे बढ़ो, इसी तरह से कुछ और वर्ड है जैसे मोर लगा है, मोर कंपरेटिव डिग्री है, लेस कंपरेटिव है, रैदर भी कंपरेटिव दिखा देता है, रिलेटिवली भी कंपरेटिवली दिखाता है और कंपरेटिवली भी कंपरेटिव है।
इसके साथ आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते ना इसके साथ। इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव डिग्री लिखानी पड़ेगी। जैसे एक नीचे देखो लेस ग्रेटर लिखा है ना, तो लेस ग्रेटर नहीं हो सकता बच्चा। लेस क्या है, लेस ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ ग्रेटर नहीं लगेगा, क्या होगा, लेस ग्रेट लगाना होगा। मोर हायर लिखा है, अब हायर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, इसके पहले मोर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कंपैरेटिवली बेटर, अरे भाई जब आपने कंपैरेटिवली बोल ही दिया तो बेटर बोलने की क्या ज़रूरत है, अब क्या करना पड़ेगा, कंपैरेटिवली गुड बोलो। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड हैं। मोर है तो मोर के साथ पॉजिटिव डिग्री लगेगी, लेस है तो पॉजिटिव डिग्री लगेगी, रैदर के साथ पॉजिटिव, रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव, कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव लगेगी, कंपैरेटिव नहीं लगती है इन सब के साथ। हो गई बात क्लियर, ठीक है चलो। इन्हीं का चचेरा भाई है एक, मोस्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री, अरे भाई मोस्ट खुद ही सुपरलेटिव है तो इसके साथ सुपरलेटिव क्यों लगा रहे हो। जैसे मोस्ट ग्रेटेस्ट लिखा, तो ग्रेटेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले मोस्ट लगाने की क्या ज़रूरत है, पॉजिटिव को सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट लगाते हैं, जो ऑलरेडी सुपरलेटिव है उसमें और कौन सा सुपरलेटिव बनाओगे जी। ठीक है, अब आ गया हो, एक्सीड का मतलब होता है ना अधिक हो जाना, अब एक्सीड के साथ मोर देन का मतलब भी होता है अधिक हो जाना, तो दो एक ही काम से दो वर्ड क्यों लगाओगे। अगर आप एक्सीड लगा रहे हो तो मोर देन का तो मोर देन मत लगाओ। जैसे कहीं हम ये कहते हैं कि हिज इनकम एक्सीड्स मोर देन हिज इनकम, तो हिज इनकम एक्सीड्स मोर देन हिज इनकम, जब कह रहे हो हिज इनकम एक्सीड्स तो हिज इनकम बोलो। ठीक, हिज एक्सपेंस एक्सीड मोर देन हिज इनकम, तो मोर देन की क्या जरूरत है वहां पे। ठीक है, तो जब एक्सीड लगाए हो तो मोर देन मत लगाया करो, ये एक सुपरफ्लुअस हो गया। आगे बढ़ो, अब एडवर्ब का सुपरफ्लुअस आ गया। एडवर्ब के सुपरफ्लुअस में क्या होगा, देखो एक चीज तो ये होती है कि नॉट और नो जो है ना वो कुछ चीजों के साथ नहीं लगाए जाते। नीचे मैं दे दिया हूं, ये एक इतनी बड़ी लिस्ट है, इनको नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, इतने वर्ड्स हैं, इनके साथ हमें नॉट या नो नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ये जितने वर्ड हैं ना ये सारे के सारे निगेटिव हैं, ऑलरेडी इनमें नॉट है, तो जब इसमें ऑलरेडी नॉट है तो इसके साथ आप नॉट या नो लगा करके क्या कर देंगे, आप डबल निगेटिव कर देंगे, और डबल निगेटिव हमें नहीं करना है। क्लियर, ये सारे के सारे एक बार फिर सुन लीजिए, ये सारे के सारे निगेटिव वर्ड हैं, इनके साथ नो नॉट नहीं लगाते, क्योंकि अगर ऐसा करते हो तो डबल निगेटिव हो जाएगा, एक ये निगेटिव हो गए, एक इनके साथ नो नॉट लगा दिया, जो गलत सेंस हो जाएगा। कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ नॉट नहीं लगता, ध्यान रखना। आप देखो अनलेस है, ठीक है, अनटिल है, तो इनके साथ नॉट नहीं लगेगा। लेस्ट है, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, इसके साथ नॉट नहीं लगाया जाता। फेल के साथ नॉट, जैसे हम कहें ही फेल्ड नॉट टू कैच द ट्रेन, अरे यार ही फेल्ड टू कैच द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ने में फेल हुआ, ट्रेन ना का पकड़ने में थोड़े ना फेल हुआ, तो ही फेल्ड टू कैच द ट्रेन, ऐसा ना कहना कि ही फेल्ड नॉट टू कैच द ट्रेन। निवर है, सेल्डम है, हार्डली है, स्कार्सली है, बेयरली है, रेयरली है, इनके साथ नॉट ना लगाओ। रिफ्यूज़ का मतलब मना करना, डिनाई का मतलब मना करना, फॉरबिड मैंने रोकना, प्रिवेंट रोकना, प्रोहिबिट रोकना, डिबार रोकना, ठीक है, तो इन सब का मतलब रोकना होता है, तब रोकोगे भी और फिर नॉट भी लगाओगे, डबल निगेटिव होगा। रिफ्रेन का मतलब किसी चीज़ से दूर रहना, एब्सटेन दूर रहना, डिसवेड होता है, विदाउट विदाउट है, विदाउट के साथ नो लगाओगे। जैसे हम कहें कि I could do nothing without, या he cannot do without nothing, तो आप without भी लगाओगे, nothing भी लगाओगे, without no help कहीं लिखा हो, I can do it without no help, मतलब I cannot do it without no help, अब नहीं हो सकता ना, without के बाद आप no लगाओगे तो गलत हो जाएगा, double double negative हो जाएगा। तो ये जितने भी word आप देख रहे हैं इनके साथ not या no मत लगाइएगा, वो तो superfluous हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक example दिया हुआ है, देख लो, लिखा है द थीफ डिनाइड दैट, चोर ने मना किया, क्या मना किया, कि ही हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग फ्रॉम योर हाउस। अच्छा ये बताओ, उसने कहा, उसने इनकार किया कि उसने तुम्हारे यहाँ से कोई चीज़ नहीं चुराई थी। अच्छा, ना चुराने से इनकार करेगा कि चुराने से इनकार करेगा, अगर वो इनकार करा, यहाँ डिनाइड लगा दिए हो तो यहाँ से नॉट हटा दो, वरना फिर पॉजिटिव हो जाएगा वो डबल निगेटिव मिलके। क्लियर, समझे बात। अब ऐसे ही काइंडली रिक्वेस्टेड नहीं लगता जी, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, तो काइंडली मत लगाओ, रिक्वेस्टेड तो खुद ही कह रहे हो, तो अब काइंडली की क्या ज़रूरत है।
ऐसे ही कम एक्रॉस सडनली, कम एक्रॉस का मतलब जब हमारी किसी से अचानक मुलाकात होती है, तो अचानक उसमें ऑलरेडी है, सडनली लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब कम एक्रॉस लिखिए तो सडनली मत लिखिए उसके साथ में। अब और कुछ हैं ये कंजंक्शन से रिलेटेड सुपरफ्लूअस हैं, ये क्या है भाई? देखो, आल दो होता है, दो होता है, हाउएवर होता है, तो इनके साथ हम लोग बट येट नहीं लगाते। एक के साथ अलाउ है, आप आल दो के साथ लगा सकते हैं। ठीक है ना, आल दो के साथ, केवल आल दो के साथ आप येट लगा सकते हो, और किसी के साथ आप बट येट नहीं लगाओगे। ठीक है ना, दो है, हाउएवर है, इवन इफ है, इवन दो है, इसके साथ आप बट और येट नहीं लगाओगे। ठीक है, हाँ, आल्दो के साथ येट अलाउड है, लेकिन आल्दो के साथ, मान लो आल्दो के साथ आप बट लगाना चाहो, जैसे हम कहें कि आल्दो आई इन्वाइटेड हर पर्सनली बट सी डिड नॉट कम, तो आल्दो और बट दोनों नहीं लगाओगे। क्लियर हो गई बात? चलो अगला देखते हैं। बिकास का मतलब क्योंकि, एज मतलब क्योंकि, सिंस मैंने क्योंकि, क्योंकि लगा दोगे तो आप देयर फोर नहीं लगाओगे, सो नहीं लगाओगे। जैसे हम कहें कि बिकॉज ही डिड नॉट इनवाइट मी पर्सनली, देयर फोर आई डिड नॉट अटेंड हिज पार्टी, तो बिकॉज भी और देयर फोर भी दोनों एक ही सेंटेंस में नहीं लगते हैं। बात समझ गए? हिंदी में आप बोलते समय बोलिए क्योंकि उसने इनवाइट नहीं किया था इसलिए मैं नहीं गया, लेकिन अंग्रेजी में दोनों नहीं होगा, क्योंकि और इसलिए दोनों नहीं लगाएंगे। या तो आप क्योंकि लगा लीजिए या तो इसलिए लगा लीजिए, अगर आप पहले क्योंकि लगा चुके हैं तो दोबारा इसलिए नहीं लगाएंगे। ठीक, समझ गए? तो इनके साथ में इनका यूज नहीं होगा। अब ऐसे ही इफ़ है और व्हेन है, इफ़ और व्हेन के साथ आप देन नहीं लगाएंगे। जैसे कहीं लिखा है इफ़ यू हेल्प मी देन आई विल पास, नहीं, इफ़ यू हेल्प मी उसके बाद कामा लगता है, इफ़ यू हेल्प मी कामा लगेगा, आई विल पास हो जाएगा। स्पोकन में बोलिएगा तो आई विल पास इफ़ यू हेल्प मी, क्लियर हो गया, कामा बोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रिजल्ट पहले बोल लीजिए। तो याद रखिएगा, जैसे हम कहते हैं कि When you come to Lucknow, then I will return your money. तो ऐसे नहीं होता, when के साथ then नहीं लगता, if के साथ then नहीं लगता, superfluous हो जाता है। और देखो supposing है, तो supposing के साथ if नहीं लगाओगे, दोनों की मीनिंग एक ही जैसी है। In case के साथ if नहीं लगाओगे, कहीं होता है क्या? In case if rains, in case if rains, या तो कहो in case it rains कहो, या तो if it rains कहो, in case और if दोनों लगाओगे, दोनों ही शर्त के लिए लगता है। ठीक है ना? अच्छा, ऐसे ही लिखा है बट लिखा और ऑन द कंट्रेरी लिखा। अरे भैया, बट का जो मतलब है वही ऑन द कंट्रेरी का है, तो अगर बट लगा हो तो ऑन द कंट्रेरी मत लगाइए, दोनों फिर सुपरफ्लूअस हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ, आते हैं हम, अब अगला है हमारा सुपरफ्लूअस में वर्ब का पोर्शन। देखो, वर्ब में ज़्यादा सुपरफ्लूअस होता नहीं है, बस एक मॉडल वर्ब में सुपरफ्लूअस होता है कि कैन कुड के साथ हम एबल टू नहीं लगाते हैं। जैसे कहीं लिखा हो कि आई कुड नॉट बी एबल टू, एक एग्जाम्पल देख लो इसको सीधे से, आई कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। अब ये बताओ कि यहाँ कुछ ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, हो गया ना। कुड नॉट जो कह रहे हो वही तो एबल टू भी है, या तो कहे आई कुड नॉट अटेंड, ठीक है, सीधे कहो आई कुड नॉट अटेंड योर मीटिंग, सीधे हो गया आई कुड नॉट अटेंड, या तो ये कहो कि आई वॉज नॉट एबल टू। ठीक, तो कुड नॉट और एबल टू दोनों नहीं लगाओगे, अब गलत हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ऐसे ही लाइकली और प्रॉबेबली के बाद मी माइट नहीं लगेगा। जैसे मान लो कहीं लिखा हो लाइकली इट मे रेन टूडे, ठीक है, लाइकली इट मे रेन टूडे। अब ये बताओ कि जब लाइकली लिखे हो, लाइकली जब लाइकली लिखे हो तो मे लगाने की क्या ज़रूरत है? दोनों का तो मतलब एक ही हुआ ना, लाइकली भी संभावना बता रहा है, मे भी संभावना बता रहा है, तो मे नहीं लगेगा, बल्कि इसकी जगह आप क्या लगाओ, लाइकली इट विल रेन टूडे, ये ठीक है ज़्यादा। ठीक है, या तो इट मे रेन टूडे कहो, या तो कहो लाइकली इट विल करो, लाइकली और मे दोनों नहीं लगाओगे, सुपरफ्लूअस हो जाएगा, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ प्रीपोजिशन में क्या सुपरफ्लूअस होता है। तो प्रीपोजिशन के सुपरफ्लूअस बहुत होते हैं और बहुत एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। दो कैटेगरी में बांटा हूँ, एक कैटेगरी वो है जिसमें यह है कि बैक और अगेन नहीं यूज किया जाता इनके साथ। तो ये वर्ड आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर नोट करिएगा, बेहतर होगा नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये नीचे कुछ वर्ड्स की लिस्ट दिया हूँ, इनके साथ बैक या अगेन नहीं यूज किया जाता है, वो कौन से वर्ड हैं? देखो, रिटर्न है, रिटर्न मतलब वापस आना, रिटर्न, रिवर्ट, रिवर्स, तीनों का मतलब होता है वापस हो जाना, तो रिटर्न, रिवर्ट, रिवर्स के साथ बैक नहीं लगाया जाएगा।
रिट्रीट या रेट्रोग्रेड मतलब पीछे हटना, तो रिट्रीट या रेट्रोग्रेड के साथ बैक नहीं लगाया जाएगा। रीइंबर्स या पे रिपे, तो जैसे कहते हैं आई विल रिपे योर लोन बैक, आई विल रिपे योर लोन बैक नहीं होगा, आई विल रिपे योर लोन होगा, बैक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिपीट मैंने दोहराना, अब सब के सब दोहराना है, रिपीट मैंने दोहराना, रिइटरेट मैंने दोहराना, रिप्लिकेट मैंने दोहराना, रिकैपिचुएट मैंने दोहराना। अब इसके साथ अगर आप अगेन लगा देते हैं तो कितना फूहड़ सा सेंटेंस बनेगा, सोचो। जैसे हम क्या, विल यू रिपीट अगेन द क्वेश्चन, अरे भाई विल यू रिपीट द क्वेश्चन, रिपीट करेगा ही आदमी तो अगेन क्यों लगेगा उसमें, रिपीट का मतलब ही होता है दोबारा, तो रिपीट के साथ अगेन ना यूज करिएगा। और रिपीट के जो भाई बंधु हैं ये रिपीट, रीइटरेट, रिप्लिकेट, रिकैपिचुलेट, तो ये भी ध्यान रखिएगा रिपीट के भाई बंधु हैं वो। रिकॉल और रिमेंबर का मतलब याद करना, तो रिकॉल रिमेंबर के साथ अगेन या बैक नहीं लगेगा। रीस्टोर रिगेन है, रीओपन है, रीस्टार्ट है, रिज्यूम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई प्रोग्राम कर रहे थे आप, वो जितने पे रुका हुआ है वहीं से फिर से आपको स्टार्ट करना है, तो रिज्यूम अगेन नहीं होगा, और रिज्यूम बैक, रिज्यूम अगेन, ये सब नहीं होता। रीस्टार्ट अगेन नहीं होता, गलत होगा। रिवाइव और रिसरेक्ट के साथ बैक अगेन नहीं लगेगा। रिवाइटलाइज, रीएनर्जाइज है, इसके साथ बैक या अगेन नहीं लगेगा। रीबिल्ड या रिकंस्ट्रक्ट के साथ अगेन नहीं लगेगा। और कौन से वर्ड हैं देखो, और लगा है रिजॉइन है, रियूनाइट है, रिकॉन्सिलिएट है, इनके साथ भी अगेन नहीं लगेगा। रिवोक है, विड्रा है, इसके साथ भी बैक नहीं लगेगा। जैसे कि आई विल विड्रा माई कंप्लेन बैक, तो आई विल विड्रा माई कंप्लेन, अब बैक की क्या ज़रूरत है, जब मैं विड्रा कर ही रहा हूँ तो बैक ले रहा हूँ ना, तो विड्रा के साथ बैक की क्या ज़रूरत है। रिसीट का मतलब होता है कोई चीज़ पीछे होती चली जा रही है, तो आप रिसीट के साथ बैक लगाओगे तो रिसीट मतलब पीछे तो जा ही रही है ना, उसके साथ बैक लगाने की क्या ज़रूरत है, तो ये सुपरफ्लुअस होता है। कुछ और वर्ड हैं प्रीपोजिशन से, जैसे रिकास्ट है, रिकास्ट हो गया, रीराइट हुआ, रीराइट अगेन थोड़े करेंगे ना, रिडीम अगेन करेंगे ना, रिट्राई अगेन करेंगे। जैसे हम कहें आई रिट्राइड अगेन, अरे यार या तो करो ट्राइड अगेन या करो आई रिट्राइड, दोनों लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो ये इतने वर्ड थे जिनके साथ बैक या अगेन फिर से नहीं लगता। अब दूसरे में आ जाओ, दूसरी लिस्ट है प्रीपोजिशन की, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं। जैसे कंट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोध करना, तो कंट्राडिक्ट के साथ अगेंस्ट नहीं लगाओगे। जैसे हम कहें कि आई माई ओपिनियन कंट्राडिक्टेड अगेंस्ट योर ओपिनियन, तो कंट्राडिक्टेड योर ओपिनियन हो गया ना, अब अगेंस्ट की क्या जरूरत है, कंट्राडिक्ट में तो हो ही गया ना अगेंस्ट। ऐसे कम अक्रॉस के साथ विद नहीं लगता है, ठीक है ना। ऐसे बाय द रोड साइड, अरे यार या तो कहो रोड साइड या तो कहो बाय द रोड, अगर बाय द रोड लगाए हो तो साइड मत लिखो फिर। फ्ली अवे, फ्ली मतलब अवे होता है भाग जाना, ठीक है। देखो जैसे लिखा है फ्ली, फ्ली का मतलब ही होता है रन अवे, ठीक है। तो फ्ली का मतलब रन अवे, तो इसमें अवे लगाने की, फ्ली में अवे लगाने की क्या ज़रूरत है, ये तो फालतू हो गया। रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो रेन लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं होता जी, रेन कैट्स एंड डॉग्स होता है। रेन और कैट्स एंड डॉग्स के बीच से लाइक हटा दो। रेन कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, यहाँ लाइक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीव विद बैग एंड बैगेज में विद नहीं लगता है, लीव बैग एंड बैगेज। जैसे हम कहें कि दे लेफ्ट लखनऊ बैग एंड बैगेज, ये मत बोलना कि दे लेफ्ट लखनऊ विद बैग एंड बैगेज, नहीं, दे लेफ्ट लखनऊ बैग एंड बैगेज, लीव के साथ विद नहीं लगाना है, ठीक है, बोरिया बिस्तर में। अगला देखो, रीच और अराइव होता है ना कहीं पहुंचना, तो जिस भी प्लेस पर आप पहुंच रहे हैं रीच के साथ टू नहीं लगाओगे। जैसे कहोगे कि राजधानी एक्सप्रेस रीच्ड टू लखनऊ, ये गलत है, राजधानी एक्सप्रेस रीच्ड लखनऊ, वी रीच्ड कानपुर, वी रीच्ड दिल्ली, वी रीच्ड टू दिल्ली नहीं होता। गो के बाद लगाओगे दिल्ली, कम के बाद लगाओगे टू, ठीक है, गो और कम के बाद टू लगता है, लेकिन रीच और अराइव के बाद टू नहीं लगता अगर प्लेस दिया हो तो। अ कंपनी के साथ विद नहीं लगता जी। जैसे हम कहें कि तुम्हारा भाई मेरे साथ मार्केट गया, तो ये नहीं कहोगे कि योर ब्रदर अकंपनीड विद मी टू मार्केट, ना अकंपनीड के साथ विद नहीं, योर ब्रदर अकंपनीड मी टू मार्केट, ना कि अकंपनीड विद मी टू मार्केट, ठीक है। ऐसे इन्वेस्टिगेट के साथ इन इनटू नहीं लगता है, लुक के साथ इनटू लगता है, इंक्वायर के साथ इनटू लगता है। देखो छानबीन करने में लुक के साथ इनटू लग जाएगा, इंक्वायर के साथ इनटू लग जाएगा, लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगता। जैसे हम कहें कि ही विल इन्वेस्टिगेट इनटू दिस केस, तो गलत हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होगा, इंक्वायर इनटू दिस केस हो सकता है, इन्वेस्टिगेट के साथ इन इनटू नहीं लगाया जाता है, ठीक है, समझते रहिएगा, सुनने में अच्छा लगता है।
एंटर के बाद इन इनटू नहीं लगता अगर किसी प्लेस की बात हो रही है। जैसे ही इंटर्ड इन माई रूम गलत है, ही इंटर्ड इनटू माई रूम ये भी गलत है, ही केम इनटू माई रूम होगा लेकिन ही एंटर्ड इन इनटू नहीं यूज किया जाएगा। ऐसे ही एक बहुत ही ज़्यादा गलत होने वाला प्रीपोजिशन है पास इन द एग्ज़ाम। चलो दोनों ऊपर कर लेता हूँ एक साथ में, ठीक है। तो अब ऐसे देखो, पास इन द एग्ज़ाम जैसे कहते हैं ना कि ही पास, माई फ्रेंड पास्ड इन द एग्ज़ाम। अरे यार पास्ड द एग्ज़ाम होता है, पास इन एग्ज़ाम में नहीं पास होता, कोई एग्ज़ाम पास होता है। ही पास्ड द एग्ज़ाम ना कि ही पास्ड इन द एग्ज़ाम। क्वालिफाई द टेस्ट होता है, क्वालिफाई इन द टेस्ट नहीं होता। दे क्वालिफाइड इन क्वार्टर फाइनल होता है क्या? दे क्वालिफाइड इन सेमीफाइनल होता है क्या? दे क्वालिफाइड द सेमीफाइनल, ऐसे ही होता है। दे क्वालिफाइड द टेस्ट, दे पास्ड द एग्ज़ाम ना कि पास्ड इन द एग्ज़ाम, क्वालिफाइड इन द टेस्ट, ये सब नहीं होता, ये सब फालतू है, ठीक है। प्रीसीड के साथ बिफोर नहीं लगाओगे, प्रीसीड का मतलब ये पहले आना, सक्सीड का मतलब बाद में आना, तो इसके साथ आफ्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब कुछ और वर्ड हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन के बहुत हैं, बहुत एरर होती है इससे। डिस्कस है, डिस्क्राइब है, एक्सप्लेन है, इलस्ट्रेट है। ध्यान रखिएगा इन सब के बाद अबाउट नहीं लगेगा। जैसे मैं ये कहूँ कि टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट सुपरफ्लुअस, अब क्या हो गया, ये सुपरफ्लुअस में सुपरफ्लुअस हो गया। टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट सुपरफ्लुअस, डिस्कसिंग नहीं, डिस्कसिंग के साथ अबाउट नहीं लगेगा। टुडे आई एम डिस्कसिंग सुपरफ्लुअस ना कि डिस्कसिंग अबाउट सुपरफ्लुअस। डिस्क्राइब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओ, डायरेक्ट डिस्क्राइब के बाद, एक्सप्लेन के बाद, इलस्ट्रेट के बाद, डिस्कस के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग जाता है। गो टू अब्रोड, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था गो टू अब्रोड नहीं होगा, गो अब्रोड होगा, गो टू होम नहीं होता। याद रखना गो के बाद, ठीक है ना, गो के साथ अगर अब्रोड लिखा हो या होम लिखा हो तो टू नहीं लगाएंगे। हालांकि रो होम के साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, अभी बता देता हूँ। तो गो टू अब्रोड नहीं, गो टू अमेरिका होगा लेकिन गो टू अब्रोड नहीं होगा, ठीक है, और गो टू होम नहीं होता। एक चीज़ ऐसे समझ लो, जैसे कहें ही वेंट टू होम, ठीक, यहाँ टू गलत है, लेकिन अगर लिखा हो ही वेंट टू हिज होम, ठीक है, ध्यान देना ज़रा, ही वेंट टू हिज होम, अगर होम के पहले हिज लगा है, पजेसिव है, तो टू लग सकता है। अगर होम के पहले पजेसिव नहीं लगा है तो टू नहीं लगेगा। ही वेंट टू होम गलत है, ठीक, ही वेंट टू होम गलत है, ही वेंट होम होगा, लेकिन ही वेंट टू हिज होम ये ठीक है, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। प्रोमिस टू विद समबडी, ये जो एस बी लिखा हुआ है ना, ये समबडी है, कोई पर्सन है। प्रोमिस टू समबडी या प्रोमिस्ड विद समबडी नहीं होगा। जैसे हम ये कहें कि माई फादर प्रोमिस्ड टू मी, नहीं जी, माई फादर प्रोमिस्ड मी, माई फादर प्रोमिस्ड मी ना कि प्रोमिस्ड विद मी। तो प्रोमिस जिसके साथ करते हैं उसके साथ टू या विद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगला देखो, साइन ऑन द पेपर, ये गलत होता है, साइन द पेपर होता है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, हम कहें कि यू शुड साइन ऑन द डॉक्यूमेंट्स होगा ना, यू शुड साइन द डॉक्यूमेंट्स होगा। कोई एप्लीकेशन है, कोई फॉर्म है, तो क्या होगा, यू विल साइन द फॉर्म, यू विल साइन द एप्लीकेशन ना कि साइन ऑन द एप्लीकेशन, ठीक है। तो साइन के बाद डॉक्यूमेंट्स पेपर्स पे ऑन नहीं यूज किया जाता है, साइन द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, क्लियर हो गई बात। एनफ ऑफ समथिंग नहीं होता जी, कहीं लिखा होता है क्या, ऐसे कहीं होता है एनफ ऑफ नॉलेज, बोलो एनफ ऑफ नॉलेज होता है क्या, नहीं जी, एनफ नॉलेज होता है, एनफ ऑफ नॉलेज नहीं होता, वो फालतू है। फालतू मतलब जो मेरे मुंह से बोल रहे हैं, जो कहते हैं फालतू, फालतू मतलब सुपरफ्लुअस, ठीक, फालतू सुपरफ्लुअस की हिंदी है, समझ लेना, नहीं हिंदी क्या, शायद अरबी भाषा का वर्ड है फालतू। चलो रिकमेंडेड फॉर समथिंग, जैसे हम कहें कि टीचर ने ये किताब मुझे रिकमेंड की है, तो क्या ऐसे बोलोगे कि माई टीचर हैज़ रिकमेंडेड फॉर दिस बुक, ना ना ना, ऐसे नहीं होता, माई टीचर हैज़ रिकमेंडेड दिस बुक, ठीक है, माई डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड दिस मेडिसिन, ठीक है, माई डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड बेड रेस्ट, ना कि रिकमेंडेड फार बेड रेस्ट, रिकमेंड के साथ फार नहीं यूज किया जाएगा, सुनने में भले अच्छा लगता हो। कंसीडर के बाद ऑफ या अबाउट नहीं लगता, ये नहीं कहोगे कि आई विल कंसीडर अबाउट दिस मैटर, ना आई विल कंसीडर दिस मैटर, ठीक, सीधे सीधे, आई विल कंसीडर दिस इशू, आई विल कंसीडर योर एप्लीकेशन, आई विल कंसीडर योर सिचुएशन, ये नहीं होगा कि आई विल कंसीडर ऑफ योर सिचुएशन, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता।
रेडिक्यूल आन समबड़ी या समथिंग, रेडिक्यूल का मतलब हंसी उड़ाना, ठीक है ना, किसी पर हंसना। तो ऐसे नहीं कहोगे कि दे विल रेडिक्यूल आन मी, ना ना ना, दे विल रेडिक्यूल मी, ऐसे होगा। रेडिक्यूल के बाद आन वगैरह नहीं यूज किया जाता। ऐसे ही क्रिटिसाइज के बाद आन नहीं लगता, जिस भी पर्सन या थिंग को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जैसे हम कहें कि दे क्रिटिसाइज्ड आन माय ओपिनियन, ना ना, दे क्रिटिसाइज्ड माय ओपिनियन, दे क्रिटिसाइज्ड आन माय ओपिनियन नहीं होता जी। ऐसे ही ओवे टू समबडी, हम ये कहें कि आई विल ओवे टू यू, ना ना, आई विल ओवे टू यू नहीं होता, आई विल ओवे यू, ना कि आई विल ओवे टू यू, ठीक है ना। तो ओवे के बाद टू नहीं लगता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। असिस्ट टू या विद नहीं होता जी, आप जिसकी हेल्प कर रहे हो। जैसे हम कहें कि मैं, जैसे हम कहें कि माई डॉटर असिस्टेड विद मी, अरे नहीं, माई डॉटर असिस्टेड टू मी, ये भी नहीं, माई डॉटर असिस्टेड मी प्रिपेयरिंग दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट तैयार करने में मेरी बेटी ने मेरी हेल्प की, असिस्ट किया था। तो माई डॉटर असिस्टेड मी, ना कि असिस्टेड टू मी, ना कि असिस्टेड विद मी, क्लियर। चलो अच्छा, एक और बचा है इसमें प्रीपोजिशन में, अवेट के साथ फार नहीं लगता बच्चा। देखो एक चीज़ जान लो, अवेट का मतलब ही होता है वेट फार, ठीक है ना। अवेट इज इक्वल टू वेट फार। अच्छा, अब जब अवेट में फार है ही, वेट फार है ही, तो अवेट के बाद फिर से फार लगाने की क्या ज़रूरत है। आई विल अवेट फार यू, नो नो, आई विल वेट फार यू, या तो आई विल अवेट यू, क्लियर हो गई बात। ऐसे ही बिसाइड्स या डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता बच्चा। बहुत बार ये गलती पूछी गई है, बहुत सारे एग्जाम में पूछी गई है, डिस्पाइट ऑफ हिज केयरलेसनेस, ना डिस्पाइट हिज केयरलेसनेस, डिस्पाइट के बाद अब ऑफ नहीं लगाएंगे। तीन चीज़ें देखो, एक होता है इंस्पाइट, ठीक है, समझिएगा, इंस्पाइट के बाद ऑफ लगता है, इंस्टेड के बाद ऑफ लगता है, इंस्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ये दोनों लगते हैं, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, ठीक है ना। अगर डिस्पाइट के बाद ऑफ लगाए तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों सही हैं। इंस्पाइट में ऑफ लगता है, डिस्पाइट में ऑफ नहीं लगता है, ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछी गई है यह गलती, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगेगा। कंप्राइज या इंक्लूड के बाद ऑफ नहीं लगता है जी, लेकिन कंसिस्ट के बाद लगता है, मीनिंग वही है। जैसे कहें कि क्लास इज कंसिस्टिंग ऑफ 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, कंसिस्ट के बाद तो ऑफ लगता है, लेकिन क्लास कंप्राइजेस 20 स्टूडेंट्स, कंप्राइज में ऑफ ना लगाइएगा, इंक्लूड में ऑफ ना लगाइएगा, कंसिस्ट में ऑफ लगाइएगा। ऐसे आउटसाइड इनसाइड ऑफ द प्लेस, तो आउटसाइड इनसाइड ऑफ नहीं लगता, उसमें खुद ही लग गया ना। इनसाइड द रूम होगा, इनसाइड ऑफ द रूम नहीं होगा, आउटसाइड द गेट होगा, आउटसाइड ऑफ द गेट नहीं होता जी, ठीक है। तो इनसाइड आउटसाइड के बाद ऑफ तो बिल्कुल ना लगाओ। अब आए कुछ मिसलेनियस, इतना तो हम लोगों ने देख लिया, कुछ मिसलेनियस सुपरफ्लुअस होते हैं, जो जैसे देखो वेरी और इनफ दोनों, अरे भाई वेरी और इनफ दोनों नहीं लगता यार, दोनों में से कोई एक लगाओ, ठीक है। ऐसे ही सफिशियंट इनफ है, तो सफिशियंट इनफ, यार सफिशियंट भी वही है, इनफ भी वही है, दो दो क्यों लगा रहे हो, घी की पूड़ी में मक्खन लगा के खाओगे, ऑलरेडी वो सफिशियंट है तो उसमें इनफ की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही क्वाइट इनफ है, अरे जी क्वाइट और इनफ की अमाउंट एक ही बराबर होती है, ठीक है, तो क्वाइट और इनफ दोनों ना लगाओ, दोनों में से कोई एक लगाना इसमें से। कुछ और वर्ड देखते हैं, क्वाइट ऑल राइट, अरे भाई या तो क्वाइट लगाओ या तो आल लगाओ, क्वाइट राइट कहो या आल राइट करो, दोनों में से कोई एक होगा, क्वाइट और आल दोनों नहीं होंगे। वेजली एम्बिगुअस, अब देखो वेजली एम्बिगुअस का मतलब ही अस्पष्ट होता है, वेजली मतलब अस्पष्ट रूप से अस्पष्ट, वाह भाई वाह, अस्पष्ट रूप से अस्पष्ट, तो वेजली काटो खाली एम्बिगुअस रहने दो। प्री रिकॉर्डेड, प्री रिकॉर्डेड का क्या मतलब होता है, देखो क्या बेवकूफ़ी है, लगा देते हैं लोग इसके बावजूद, ठीक है। प्री रिकॉर्डेड तो पहले से ही होता है, कहें कि रिकॉर्डेड एविडेंस या रिकॉर्डेड स्टेटमेंट, तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट को तो पहले से ही रिकॉर्ड किया हुआ है, अब ये पहले से रिकॉर्डेड तो पहले से ही होता है, इसमें प्री लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। तो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड स्टेटमेंट होता है, प्री रिकॉर्डेड स्टेटमेंट नहीं होता। एजुकेटेड मैन ऑफ लेटर्स, अरे भैया मैन ऑफ लेटर्स का मतलब ही होता है एजुकेटेड, या तो मैन ऑफ लेटर्स लिख लो या तो एजुकेटेड लिख लो, ठीक है। ऐसे ही देखो अप्रोच नियर समबड़ी, जैसे हम कहें आई विल अप्रोच नियर योर फादर, अरे यार
अप्रोच तो मतलब ही होता है करीब जाना, नज़दीक जाना। आई विल अप्रोच योर फादर, ना कि आई विल अप्रोच नियर योर फादर। थ्रू आउट द होल डे, अब इनसे मिलो थ्रू आउट द होल डे। अरे यार, या तो थ्रू आउट द डे कहो, ठीक है ना, थ्रू आउट द डे कहो, या तो द होल डे कहो, ठीक, समझ में आया। थ्रू आउट द ईयर या द होल ईयर। अब इसमें थ्रू आउट और होल दोनों एक साथ नहीं लगाना है, दोनों में कोई एक, दोनों नहीं, सुपरफ्लूअस होगा, फालतू हो जाएगा। अब आ जाओ, एक दो और बचे हैं। अब लिखा एनुअल और एवरी ईयर। अब बताओ, जैसे हम ये कहें कि ही एनुअली रिसीव्स टू, या 2 लाख तो कम हो जाएगा, ही एनुअली रिसीव्स 10 लाख रुपीज एवरी ईयर। एनुअली भी और एवरी ईयर भी, ये तो भाई गलत बात हो जाएगी। एनुअल या एवरी ईयर में से कोई एक चीज़ लगाओ। यूनिवर्सली और एवरीवेयर, अब देखो दोनों अलग है क्या? जब कोई चीज़ यूनिवर्सली है तो एवरीवेयर क्यों होगी? दोनों में से कोई एक। यूनिवर्सली बाई आल, अब यूनिवर्सली हो गया तो बाई आल तो ऑटोमेटिक हो गया ना, इनमें से कोई एक। क्लियर हो गई बात? तो ये थे बच्चा कुछ सुपरफ्लूअस वर्ड्स, ठीक है। सुपरफ्लूअस वर्ड्स कहो या सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस कहो, ये सुपरफ्लूअस वर्ड्स और एक्सप्रेशंस लगभग सारे पार्ट ऑफ स्पीच में थे, नाउन में भी थे, कुछ प्रोनाउन में भी थे, एडजेक्टिव में भी हैं, एडवर्ब में भी हैं, वर्ब में भी हैं, प्रीपोजिशन में भी है, कंजंक्शन में भी है। बचा क्या रह गया? इंटरजेक्शन रह गया, आर्टिकल रह गई, ठीक है ना। तो बस यही तो दो बचे रह गए, बाकी सब में तो लगभग पाए ही गए सुपरफ्लूअस। कुछ और भी मिसलेनियस वर्ड्स हैं, प्रीपोजिशन में भी बहुत ज़्यादा सुपरफ्लूअस होता है। तो ये जितने भी सुपरफ्लूअस अभी हमने आप लोगों को डिस्कस किए, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर से कलेक्ट किए हुए हैं, कुछ भी अलग से अपने मन से नहीं है, सब प्रीवियस पेपर का कलेक्शन है। और ये प्रीवियस पेपर का जो कलेक्शन है, ये सारे एग्ज़ाम्स से किया गया है, SSC, बैंक, NDS, CDS वगैरह वगैरह जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सब से किया गया है। और जो लोग पेट वगैरह देते हैं, सेट वगैरह देते हैं, वो भी इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि पेट वगैरह में भी इसी तरह की एरर्स पूछी जा रही है। तो ये थे सुपरफ्लूअस, कुछ सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस जो मैंने बताया, किसके साथ क्या लगाना है, किसके साथ क्या नहीं लगाना है, मतलब इसमें जो फालतू है वो हटाना है आपको। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो मैंने ना बताए हों और कल आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाए। कल क्या प्रैक्टिस सेट तो मैं इसके साथ ही अटैच कर दे रहा हूँ। तो अब ये आप लोग ये सारे के सारे रूल्स पढ़िएगा, जो नोट करने लायक हो, आपको लगे कि नोट करने लायक है, वो आप डायरी में नोट करिए। इसके तुरंत बाद आप ये जो इसके साथ अटैच्ड प्रैक्टिस शीट दी जा रही है, उस प्रैक्टिस शीट को पूरा सॉल्व करिए, फिर कल आप लोगों को इसका सलूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। और आपको ये वाला क्या कहते हैं, ये ऑफर आप लोगों को कैसा लगा, मतलब ये जो मैंने सुपरफ्लूअस का कराया है डिस्कशन, ये आप लोगों को कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वैसे इसी मामले में हम गरीब हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों की राय मिलती नहीं है, कहता मैं बार बार हूँ, ठीक है। फिर भी मैं, ये मेरा फ़र्ज है, मैं बार बार कहूँगा, आप लोग अपना फ़र्ज पूरा करें ना करें, मैं अपना करता रहूँगा, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर तो हमारी कोई ज़बरदस्ती है नहीं, मैं अपना ही कर सकता हूँ ना, मुझे अपने पर जोर है, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो ये वाला सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल इसका सलूशन आप लोगों को भेज दिया जाएगा, उसके बाद फिर इसी तरह से किसी और सेगमेंट के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।